हेलो गाइस, वेलकम टू मैनवर एजुकेशन। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एग्जाम टू एडमिशन प्रोसेस फॉर एमएच लॉ सीईटी 3 इयर्स। गाइस, एग्जाम का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आउट हो गया है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट आर द स्टेप्स फ्रॉम एग्जाम टू एडमिशन। ऑल द थिंग्स वी विल सी इन द डिटेल, बिकॉज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस एज वेल एज एडमिशन प्रोसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एग्जाम का डेट कब होगा, फॉर्म फिलिंग कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे एडमिशन को लेके भी। सो ऑल दीज थिंग्स we will discuss in this video, but before we proceeded, we have launched the crash course batches for Maharashtra Law CET 3 years. Okay, in this batches curriculum is ebooks, you will get handouts are there, test series will be there, recorded videos are there, actual CET level mock test, full length mock test is there, past paper analysis you will get, mentorship, cap admission process, mock taking strategy and many more things are there. Okay, so what are you waiting, guys? Book your seat now, call on 8828581455. Okay, or you can also visit to our website manoradio.com/law entrance. So guys, in the description we have mentioned one Google form link also, so do fill that Google form. Our counselor will get back to you and they will explain all the details of the crash course batches. So now let us see MH Law CET 3 years exam process. Okay, so first is online application form is out. After this, last date of registration will come 21/4/2022. ये last date of registration है. First extension of application form 21st April तक extension आ गया था. Application form editing CET cell will give the form editing option. अगर आपका photograph गलत है या signature गलत है या center चूज़ करने में कुछ मिस्टेक हो गया, सो दे विल ओपन दी विंडो फॉर दी फॉर्म एडिटिंग ऑल्सो। इसके बाद फिफ्थ प्रोसेस इश्यू ऑफ हॉल टिकट। आपका एग्जामिनेशन डे पे हॉल टिकट आपको मिलेगा, उसमें आपका सेंटर वगैरह मेंशन किया रहेगा एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कैरी ड्यूरिंग द सीईटी एग्जामिनेशन इन दैट हॉल टिकट इट विल बी मेंशन। एंड सिक्स्थ प्रोसेस इज एग्जाम डे, द डी डे, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ रिजल्ट अनाउंसमेंट प्रोसेस। ओके, अराउंड 15 to 20 days के बाद आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एम एच लॉ सी ई टी 3 इयर्स एग्जाम प्रोसेस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एम एच लॉ सी ई टी 3 इयर्स एडमिशन प्रोसेस, सो उसके बारे में वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो वेरी फर्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। आफ्टर द रिजल्ट अनाउंसमेंट कैप एडमिशन प्रोसेस चालू होता है, दैट इज सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। ओके, सो यू नीड टू रजिस्टर ऑन दैट। ओके, ऑल द डिटेल्स, मार्कशीट, आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके, ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू डू ऑन द सीईटी सेल पोर्टल। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय सीईटी सेल, दैट इज कॉल्ड एज ई स्क्रूटिनी। येस, ई स्क्रूटिनी विल बी देयर, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है एंड देन जो भी डॉक्यूमेंट में अगर डिस्क्रिपेंसी है देन सीईटी सेल आपके डैशबोर्ड पे बताएगा कि येस दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज हैविंग डिस्क्रिपेंसी। ओके, देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। येस, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मीन्स वॉट, वंस यू रजिस्टर ऑन द सीईटी सेल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ई स्क्रूटिनी हो गया, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी प्रॉब्लमेटिक है वो शो करेगा एंड आपको वो डिस्क्रिपेंसी सॉल्व करनी है एंड देन आपको वही डिस्क्रिपेंसी सॉल्व करके सीईटी सेल पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके सबमिट करना है। दैट इज सबमिशन ऑफ ग्रेवांसेस इफ एनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, सो सबमिट करना है एंड देन डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, दैट इज आपका फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ओके, एडमिशन टू अलॉटेड कॉलेज एंड एंड ऑफ द कैप राउंड वन। येस, अब क्या होगा कि फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट लग गया, यू विल गेट सम कॉलेज। ओके, अलॉट करेंगे सीईटी सेल। ओके, अगर आपने जो भी कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, ओके, सो यू विल गेट दोज कॉलेजेस। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका कॉलेज में अलॉटमेंट आ गया तो देन यू हैव टू गो टू कॉलेज, रिपोर्ट टू द कॉलेज एंड गेट द एडमिशन डन। सो योर एडमिशन इज डन फॉर द 3 इयर्स। ओके, 3 साल के लिए आपका वो कॉलेज में सीट फिक्स हो गया। नाउ डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट फॉर द कैप राउंड 2। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डन बाय कॉलेज। ओके, ये कॉलेज करेगी कैप राउंड 2 में कितने सीट उनके पास वेकेंट है, सो दे विल डिस्प्ले दी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आफ्टर दिस व्हाट इज द सेकंड प्रोसेस, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 2। ये राउंड 2 का एडमिशन हो जाएगा। अगर जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिला है वो स्टूडेंट्स राउंड 2 के लिए अप्लाई करेंगे एंड इफ सीट इज़ अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, जो भी कॉलेज में वो स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, देन दे विल गेट एडमिशन अकॉर्डिंग टू देयर कट ऑफ मार्क्स। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, हर चीज़ कट ऑफ से होगा, इंक्लूडिंग योर मैनेजमेंट कोटा सीट, इट विल गो थ्रू कट ऑफ ओनली। ओके,
डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड. ओके, सो प्रोविजनल अलॉटमेंट दिखाया जाएगा. अगेन उसमें अगर कोई ग्रीवांसेस है तो अगेन आपको सबमिट करना पड़ेगा. एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द राउंड टू इट विल बी डिस्प्लेड. एंड देन एडमिशन टू अलॉटेड कॉलेज एंड ऑफ द कैप राउंड टू. अगर राउंड टू में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है देन वेरी सिंपल, यू हैव टू गो टू दैट कॉलेज, रिपोर्ट टू दैट कॉलेज, सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट कॉलेज का डिमांड है. ओके, नाउ राउंड वन हो गया, राउंड टू हो गया, नाउ इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, दैट इज कैप राउंड थ्री. नाउ इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड में व्हाट विल हैपन, अगर राउंड वन और राउंड टू के बाद फिर भी कुछ सीट अगर कॉलेज में खाली है, ओके, सो यू कैन अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड. बेसिकली इसमें इंस्टीट्यूट के कुछ सीट खाली एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा सीट जो होते हैं, बेसिकली ये सारे सीट्स फिल होते हैं. सो दैट इज़ अ कैप राउंड थ्री. ओके, इसके बाद भी कैप राउंड फोर भी होता है अगर फिर भी सीट खाली हो गया. सो फोर राउंड्स के बाद कोई भी सीट खाली नहीं बचती है, स्पेशली लॉ सीटी थ्री ईयर्स में, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि अराउंड 68,000 to 70,000 स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग एंड सीट्स आर 17,000 ओनली इन ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट. ओके, सो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई. ओके, सो दिस इज़ अबाउट ऑल दी एग्ज़ाम टू एडमिशन प्रोसेस. क्या क्या चीज़ें होगी एग्ज़ाम से लेकर एडमिशन तक, वी हैव डिस्कस इन अ जस्ट. एंड जैसे जैसे सीईटी एग्ज़ाम का फीवर बढ़ेगा आगे, सो वी विल डिस्कस ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग एमएच लॉ सीईटी थ्री ईयर्स. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. वी हैव क्लासरूम कोचिंग ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन एट मुंबई. सो अवर ब्रांचेज आर एट बोरीवली, वसई एंड दादर. You can also visit to our website manuradio.com. You can also follow us on our social media handles for exam updates and notification. New YouTube channel we have launched which is very specific for law entrance. So link is given into the description. So do check the description. So this is all about in this video. Hope you like this video. If you like this video, hit the like button, subscribe to our channel. Prepare well. All the best for your preparation. Thank you.